हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंडियन सेमी टेलर ब्लॉग। आज हम आ गए हैं इच्छापुर बॉर्डर ढाबा पर। ये देखिए अपना इच्छापुर ढाबा है कोडरमा साइड का। ये आंध्रा में होटल बना है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा चलता है ये होटल। अभी हम रात में यहाँ पहुँचे थे, अभी सुबह का 8 बज चुका है। ये अच्छा से एकदम नहा धो फ्रेश हुए हम लोग, यहाँ से फिर रवाना होंगे आज। ये देखिए ये मेरा भांजा है, इसको विशाखापट्टनम से लेके आ रहे हैं। उसका घर विशाखापट्टनम में है, ये अपने गांव जा रहा है अभी घूमने के लिए। कुछ काम है, घूमना है बस। यहाँ 12 बजे पहुँचे थे, खाना वाना खाते हम लोग 2 बज गए यहाँ। चाचा कल से पेट थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, हम लोग टेंशन में आ गए। अभी ठीक है कि कैसा लग रहा है? अभी कैसा लग रहा है चाचा जी? चाय पीने के लिए बैठे हैं, चाय पीने के लिए भाई बना रहे हो अभी। ये का से इच्छापुर बॉर्डर है 20 किलोमीटर। कटक भुवनेश्वर से हम लोग हैं 200 किलोमीटर पहले हैं। कोई टाइम हमें जो है अपना घर। ये देखिए हमारा चाय आ गया है, प्योर दूध का चाय है। देखिए इसका आप कलर देख के पहचान सकते हैं ये चाय का टेस्ट कैसा होगा। पहले पी के बताइए भाई लोग, आपको चाय का टेस्ट कैसा है? एकदम मजा है, हमारे गांव तरफ का होटल है। ये होटल आंध्रा में है लेकिन है हमारे यहाँ होटल है कोडरमा का। पानी भर रही पानी भी आगे सही है। अभी हम ठंडा ठंडा पानी से नहाए, वो सामने में उधर में टंकी है वहाँ पर चारों। आप लोग भी आइए यहाँ पे, काफी ज्यादा लग रहा है इधर से। ये देखिए भाई वो टंकी है, यहाँ पे अभी नहाए हैं वहाँ पे जो अंकल खड़ा है वहाँ। बहुत काफी ज्यादा ठंडा पानी है, मूड फ्रेश हो गया है नहा के। वहाँ देखिए हमारी गाड़ी लगी हुई है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये मेरा भाई जो है भगना, ये जो है अभी कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, चाय के बाद कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। लेकिन सुनने में आता है घर में सब बोलते हैं कि चाय पीने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, ठंडा नहीं पीना चाहिए, दांत खराब होता है। लेकिन इसको तो मालूम नहीं है, बेवकूफ़ है ये। ये देखिए हम अपनी गाड़ी के पास पहुंच गए हैं, अभी हम यहाँ से रवाना होंगे। अभी हम लोग चेन्नई से जो है कि 1000 या 1100 किलोमीटर तक आ गए हैं। अब यहाँ से और भी सफ़र, मतलब 1200 और सफ़र है अभी टोटल। यहाँ से चेन्नई से मतलब जहाँ से हम आ रहे हैं रानीपेट से, वहाँ का सफ़र जो है आपका 2400 या 2500 किलोमीटर है। आज हम लोग का यहाँ पर तीसरा दिन हो गया आज हम लोग का, मतलब तीसरा दिन में जो है हम लोग 1100 किलोमीटर सफ़र तय किए हैं। अभी हमारी गाड़ी में डीजल भी नहीं है, अभी डीजल ही भरेंगे भारत पेट्रोलियम में। इधर आंध्रा में जो है रेट भी ज़्यादा काफ़ी है, इधर 100 रुपया प्लस है। अभी उड़ीसा में जाएंगे तो उड़ीसा में जो है कि आपका 95-96 ऐसी रेट होगा पर लीटर। वहीं पे टंकी फुल करेंगे, ठीक है। और आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो कोई आप लोग मिस ना करें। तो निकल रहे हैं स्टार ढाबा से उड़ीसा के लिए।
लाजवाब हॉर्न है। ये देखिए पहाड़ यहाँ का, वो सामने पहाड़ है, ये रोड है। अभी हम लोग ऊपर जाएंगे लोग ब्रिज के ऊपर, तो आपको बताएंगे ब्रिज से क्या व्यू दिखती है। अच्छा गाइस, हम लोग ब्रिज पे चढ़ने वाले हैं। देखिए सब, ये ओवरटेक किए गाड़ी को, ये हम लोग का ब्रिज आ गया। नीचे देखिए इधर नदी है, एक तो रिवर दिख रहा होगा। भैया बोल रहे थे इसमें नहाने के लिए, बाकी नहीं नहाएंगे गए, दिन डैम में नहा लिए। ये देखिए सामने पहाड़, उसी तरफ जा रहे हैं लोग। हम लोग ब्रिज पे चढ़ गए हैं। ये एक पहाड़ है इस साइड, देखिए भाइयों, हम लोग ये देखिए रेलवे लाइन आ गया। आप लोग देख सकते हैं अभी साउथ का मेन लाइन है ये रेलवे लाइन। अभी थोड़ा देर पहले ट्रेन गई थी यहाँ से, और ये हम लोग ब्रिज के ऊपर से नीचे से जाने वाले हैं। देखिए कौन सा जगह है यहाँ पे दिखा रहा है, 85 सीट में चलना है। देखिए एक तो बाइक वाला ओवरटेक किया है गाइस। सब देखिए भैया अपना बॉडी देख, काफी ज्यादा गर्मी है यहाँ पे, अपना बॉडी दिखाने वाले हैं। देख लीजिए भैया, गर्मी बहुत हो रही है, मैं भी कपड़ा उतार के हूँ, बहुत गर्मी है बहुत। उधर माउंटेन है, 9 बजे का टाइम है, 9 बजे दिन में इतना गर्मी है तो सोचिए अभी दोपहर बाकी है, तो 31-32 पहुँचेगा है कि नहीं? हाँ, उतना तो नॉर्मल होता है आराम से। अभी इस गाड़ी को हम लोग ओवरटेक करने वाले हैं, लेकिन हम लोग से बहुत दूर है, 500 मीटर दूर हम लोग से है, ओवरटेक करने वाले हैं। देखिए भैया अपना दिमाग लगा के ओवरटेक करने वाले हैं, इधर भैया उधर गाड़ी, अब होने वाली है ओवरटेक, होने वाली है। ऊपर देखिए कौन सा शहर आ गया, कितना देखिए, 45 किलोमीटर। लाजवाब। अब देखिए ओवरटेक होने वाला है, हो गया। ओवरटेक करके कैसा लगा? ओवरटेक करके कैसा लगा भैया? अब फिर हम लोग ब्रिज पे आ गए, सामने देखिए कौन पहाड़। ब्रिज पे से व्यू जो आता है, इधर का व्यू देखिए, पूरा जंगल ही जंगल है पूरा, जो कैमरा में दिख रहा है, जो हम लोग को दिख रहा है वो अलग है। आप लोग आके वैजाग घूमिए, आप लोग के बहुत अच्छा रहेगा। वैजाग बहुत अच्छा शहर है, हम लोग गाँव में काम में इसलिए हम जा रहे हैं, नहीं तो बहुत अच्छा शहर है। हिंदी सब बोलता है, सब हिंदी इंग्लिश सब बोलता है। आइए एक और ओवरटेक होने वाला है यहाँ पे, मिलते हैं थोड़ा सा देर के बाद। देखिए भैया आवाज पहन लिए हैं, और आगे देखिए कैसा ये है, भैया का वॉच बोलिए कैसा है, कमेंट करके बताइएगा कैसा वॉच है। आप इसमें से लीजिएगा वाटर प्रूफ है फुल, स्विमिंग पूल में नहाते हैं कुछ भी नहीं होता है। कंपनी देखिए साफ नहीं दिख रहा है, और आगे का मौसम देखिए मस्त है। आज का मौसम बारिश होता तो और अच्छा लगता है। अभी हम यहाँ पे पूरा जंगली जंगल है, चारों तरफ जंगल है, यहाँ पर टाइगर सब भी रहता है, ऐसा बोर्ड भी लिखा गया है। और भैया थोड़ा हंस के चल रहे हैं, मिजाज भैया का अच्छा है। और आगे भी साथ में ना तो मन लग रहा है, अकेले बैठ के बोर होते रहते हैं, कहीं कोई भी इंसान जो है अकेला कहीं उसको छोड़ दिया जाए तो बोरिंग उसको ज़्यादा लगता है, साथ में कोई आदमी रहता है अच्छा लगता है, थोड़ा गुड महसूस होता है। मेरा भांजा जो है जहाज रहने के लिए नहीं आया है, बस ये सफर के लिए आया है, सफर कर रहा है मेरे साथ। सिर्फ एक ही ब्लॉग में मेरा साउंड आएगा, मेरा फेस आएगा बस, उसके बाद से गांव जा रहा है। गांव से 10-15 दिन बाद लौटेंगे। मामा को देखिए, मामा को भोजपुरी सॉन्ग, ताजा ताजा वही वाला सॉन्ग देखते हैं। अभी आगे टोल गेट आने वाला है,
चेन्नई चश्मा लगवले अभी आगे टोल गेट आने वाला है। चेन्नई से लेकर यहाँ तक 10,000 लग गया है मामा का पैसा। मामा फुल मस्ती में है, फुल मस्ती। भाई टोल गेट आ गया, अभी टोल गेट आने वाला है। देखिए यहाँ पे 200 से 300 लेगा सब पैसा, 540 गाइस, 540 यहाँ पे। 10,000 आगे रास्ते में लग गया, आगे यहाँ पे 540। अभी मामा का साउंड बंद कर दिया हूँ, मामा को सुनाई नहीं देगा होगा। यहाँ पे पैसा काटेगा, अभी देखे यहीं पे अभी बंद किया हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं अभी ग्रीन लग गया। पैसा भी नहीं देना पड़ता, रिचार्ज कर लेते हैं हम लोग, बस पैसा अपने आप अकाउंट से कटते रहता है। अकाउंट से डायरेक्ट फास्टैग लगा हुआ है, पेटीएम बैंक यहाँ पे, पेटीएम बैंक का लगा हुआ है, यहीं से स्कैनिंग कर लेता है, पैसा काट लेता है ना मामा। कितना काटा होगा अभी पैसा? 540 से 60 रुपया होगा, 540 से 60 तक। रानीपेट से अभी तक यहाँ तक का टोल गेट कट गया मेरा 6,000 से उधर कटा है, और रात से अभी तक का हमका 3,000 का कट चुका, मतलब टोटली आपका जो है 9,000 रुपया का कट चुका है। काफी ज्यादा जो है टोल गेट का मतलब रेट बढ़ चुका है। ये अभी तक हम कब से हैं विशाखापट्टनम से, सबसे बड़ा पुल लग रहा है हमको, ऊंचा में लग रहा है पुल, देख लीजिए बहुत हाईएस्ट पुल है, ऊंचा में है, थोड़ा ऊपर जाना पड़ रहा है, थोड़ा तकलीफ होती है यहाँ पे गाड़ी को, तो डीजल ज़्यादा पीती है। इधर का व्यू देखिए पूरा मस्त व्यू है, गाड़ी में थोड़ा कम दिख रहा होगा, बाकी इधर से मस्त दिख रहा है, एक नंबर व्यू है, एक नंबर। देखिए हम लोग नीचे जा रहे हैं, अभी नीचे जा रहे हैं, पूरा एकदम में डाउन है पूरा, जैसे सीढ़ी नहीं ऊपर से छत से नीचे आता है ना, वैसे ये पूरा इधर पूरा जंगल है, एक दो तल्ला का ऊंचाई है, दो तल्ला का ऊंचाई है। देखिए इधर भैंसे हैं, उधर चल रही हैं भैंसे। मामू अभी आईफोन 11 यूज करते हैं, अभी मामू का बहुत शौक है, एक तो नया लिए है, आगे एक दो ब्लॉक के बाद आपको एक कार मामू का दिखेगा, लिए हैं अभी फिलहाल नया, ये इन्हीं का ट्रक है अभी, है ना मामू? हाँ। तो पार्टी कब देना है कार का? पार्टी जब मेरा ऑडियंस लोग बोलेगा तब। आप लोग कमेंट करिए दोस्तों, पार्टी मिले, और मामू का ये 1K सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी बढ़ा दीजिए तो पार्टी मिलेगा। हाँ। और जल्दी जल्द 1 मिलियन करा दीजिए, कि मामू हमको बुलाए अपने घर पार्टी दें, और नेक्स्ट टाइम देखेंगे। और आप लोग भी आइए मेरे साथ सफर करने के लिए। हेलो गाइस, मैं और मामू नारे और भैया आज चलाते चलाते फिर रहे हैं, कैसे भी है मस्त सुपर। बोली बोली एकदम मीठा है, बहुत अच्छा है, एकदम टेस्ट है इसका। अभी हम लोग आधा घंटा से रुक के यही लेने के लिए गए थे, देखिए रास्ता का काम भी हो रहा है। ये देखिए कितना सुहाना मौसम है, पीछे बहुत था, बहुत गर्मी लग रहा है, अभी देख सकते हैं। ये अभी हम कपड़ा गर्मी था, अभी देखिए बहुत अच्छा हवा आ रहा है, इतना अच्छा हवा आ रहा है, ये पूरा एकदम ठंडा हवा आ रहा है, एकदम जन्नत नजारा है यहाँ का। और वो तो ये पहाड़ी पर कितना चश्मी आ रहा है, उधर में लग रहा है बारिश हो रहा है, ये देखिए खोल के बैठे हैं, ठंडा का मौसम ले रहे हो। पहाड़ पे देखिए ये क्या है, पूरा बारिश है, पूरा बादल है, पूरा मौसम मस्त हो गया। अभी आधा एक घंटा में पानी इधर बरसने लगेगा, पानी नहीं बरसेगा आपको जरूर दिखाएंगे। यार इसी बात पे गाना लगा दो, मैं बारिश का
मौसम हो, तुझे एक दिन भाऊंगा। देखिए मामू सिंगर बन गए गाइस, अभी देखिए पूरा क्लीन दिखेगा, पूरा क्लीन। ये देखिए धान का गेहूं का खेत है, इधर रोपाई हो चुका है पूरा, यही धान का खेत है, रोपाई हो चुका है। और अंकल मस्त मगन में जा रहे हैं, मौसम का मजा ले रहे हैं, मौसम का पूरा विंडो साइड मौसम का बैठ के मस्त मगन मजा ले रहे हैं। और भैया भी पूरा सिक्स पैक दिखा रहे हैं अपना। वो देखिए पहाड़ पे देखिए, गाइस किसको किसको तेलुगु आता है वो कमेंट करके बोले, भैया को तेलुगु सिखाए, तेलुगु सिखाए भैया को। गाइस देखिए थोड़ा थोड़ा पानी हो रहा है विंडो पे, देखिए ग्लास पे देखिए थोड़ा थोड़ा पानी हो रहा है। और अभी होगा तब बताएंगे आपको, पूरा फुल दिखाएंगे। देखिए बगल में ही माउंटेन है, देखिए पूरा बगल में ही है, पूरा बासी में पूरा पानी हो रहा उधर। अब इधर भी 10 मिनट के अंदर पूरा होने लगेगा। एक अगर ये आईना पे देखिए पूरा पानी भर गया अभी, मस्त है, मजा आ गया मजा। और मामा कैसा लग रहा है? सुपर, बहुत हो गया भैया का नारियल खत्म। देख कर पे अय्या, सभी बिरयानी खाने जा रहे हैं लोग, सरवना होटल आ गए हम लोग। काफी ज्यादा बारिश भी हो रहा है यहाँ पे, मतलब पीछे रास्ता से ही बारिश हो रहा है, यहाँ भी बारिश हो रहा है। ये देखिए हम लोग क्लीन कर रहे हैं सरवना होटल। गाइस हम लोग आ चुके हैं होटल में खाने, देखिए कोई खा रहा है, मामा जा रहे हैं हाथ धोने, बहुत यहाँ हल्ला गुल्ला हो रहा है। गाइस मैं घोड़ा हो गया हूँ, अभी दो लेके एक और चाहिए, दो ही नहीं खा पाएगा, पैसे बोले दो खा जाएंगे हमको ऐसा लग रहा है कि हम खा लेंगे लेकिन नहीं खा पाएंगे, समझ रहे हैं? यहाँ बिरयानी इतना ज़्यादा है क्योंकि बिरयानी जो है मतलब उतना बड़ा कटोरा तो उसमें देता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा कटोरा है, नहीं खा पाएंगे लगे सर। देखो पूरा मतलब पूरा ऑडियंस देख रहा है, तो गाय देखिए मेरा भगना बोल रहा है कि पूरा बिरयानी खा जाए, दो प्लेट खा जाएगा, क्या चाहिए? दो प्लेट नहीं, एक प्लेट, एक प्लेट हम भी खा लेते हैं। देखा जाएगा अभी आएगा बिरयानी तो फिर आपको दिखाया जाएगा कैसा बिरयानी है यहाँ का। तो गाइस हमारा बिरयानी आ चुका है, हम लोग बिरयानी खा लिए हैं, पूरा पेट भर गया, एकदम पेट में जगह नहीं बचा। और मेरा भांजा तो आधा बिरयानी छोड़ के बर्बाद कर दिया, ये बोला कि मतलब पूरा खा जाएगा, आपको आप लोगों के सामने बोला था ना, लेकिन यहाँ पे देखिए ये भी नहीं खा पाया, काफ़ी ज़्यादा मतलब वो लोग का जो कटोरा है ना काफ़ी ज़्यादा भरा, मस्त एक नंबर, एक आदमी को मतलब मुश्किल हो जाता है खाना, एक नंबर लगा। सरवना होटल है आप लोग देख पा रहे होंगे, ये तो उल्टा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भुवनेश्वर से 20 या 30 किलोमीटर पहले है, खुर्दा खुर्दा में ये होटल है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गाड़ी रहता है आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा खा के आधा एक घंटा आराम करेंगे, आधा घंटा